एक ओर जहां पूरी दुनिया मानव रहित ड्रोन बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस डिपार्टमेंट के होनहार इंजीनियर्स ने एक कदम आगे बढ़ते मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम डिजाइन किया है, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। जी हाँ, विभ्रम एक शब्द है जिसका मतलब होता है विचरण करना। आप भी विभ्रम की खासियत देखकर हैरान रह जाएंगे। आईआईटी द्वारा डिजाइन किया गया विभ्रम हेलीकॉप्टर सरहद की 24 घंटे निगरानी कर सकता है। सामान्य हेलीकॉप्टर की अपेक्षा विभ्रम का डिजाइन बिल्कुल अलग है। इंडियन आर्मी ने आईआईटी में बने विभ्रम की खासी सराहना की है। मानव रहित होने के कारण इसमें जनहानि का कोई खतरा नहीं रहता। वहीं अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के बाद यह दुश्मनों पर काफी भारी पड़ेगा। ये ऐसा है कि अभी इसके ऊपर अनुसंधान जारी है और इस साल के अंत तक में इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप, जिसको हम कहते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, उसको तैयार कर लिया जाएगा, जो कि एक छोटा सा ड्रोन होगा जो इस कॉन्सेप्ट को दर्शाएगा। उसके बाद यदि अगर हमको सरकार से और सपोर्ट मिला तो इसको अगले 5 सालों के अंदर में विकसित किया जा सकता है। और ये ऐसा अनोखा हेलीकॉप्टर है जिसकी तकनीक अभी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो आपने देखा कि ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसकी तकनीक अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। खास बात ये है कि विभ्रम विचरण करने वाला 24 घंटे उड़ सकता है। हम अगर आर्मी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये कैसे दूसरों को शक्ति छोड़ाएगा? तो ये है कि आपको 2400 घंटे आपको बॉर्डर पे निगरानी रख सकता है और कोई भी ऑब्जेक्टिव हो मिशन का, जैसे कि घुसपैठियों पर नजर रखना, तो वो 24 घंटे लगातार सुरक्षा कर सकता है। और फ्यूल एफिशिएंसी अगर बात करें, अन्य हेलीकॉप्टर जो अभी भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए डेवलप कंट्रीज से, उससे हम कैसे कदम आगे? तो ये किसी भी एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर के मुकाबले कम से कम उससे ज्यादा 10% अधिक फ्यूल एफिशिएंट है, जिसके कारण कि अगर आप उसके साल भर की ऑपरेशनल कॉस्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये करोड़ों की बचत कराएगा। ये थे आईआईटी के प्रोफेसर अभिषेक, जो हमें बता रहे थे कि जो विभ्रम बनाया है आईआईटी कानपुर ने, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनोखा हेलीकॉप्टर है, 24 घंटे हवा में रह सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। किसी ने खूबी कहा है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी भारत कानपुर।